नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को बताया जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं। इस मशीन वाले टॉपिक को हम लोग काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न एग्जामिनेशनों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देखते थे कि सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीसी मशीन की अगर बात करते हैं तो मशीन क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मशीन वह होती है जिसके अंदर कोई मूवमेंटेबल पार्ट्स होता है, कुछ चलायमान पार्ट्स होते हैं, जो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को आसान कर दे, इजी कर दे, उसे ही हम कहते हैं मशीन। लेकिन मशीनों को दो भागों में बांट दिया गया, मैकेनिकल मशीन है देन इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन वो होती है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर कार्य करती है, अर्थात हम कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं या उससे इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राप्त करते हैं। दो भागों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग मशीन को भी, इलेक्ट्रिकल मशीन को भी, या तो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर। डीसी मोटर क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी जनरेटर की अगर बात करते हैं तो डीसी जनरेटर क्या होता है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, सप्लाई के आधार पर भी देखा जाए तो इन इलेक्ट्रिकल मशीनों को दो भागों में बांटा गया, एसी मशीन द डीसी मशीन। अभी जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, अभी टॉपिक जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, अभी जो टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया है वो है डीसी मशीन, दृष्ट धारा मशीन, जो डीसी सप्लाई या तो जनरेट करेगी या दी जाने वाले डीसी सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या करेगी, कार्य करती है। ध्यान रखना, इस डीसी मशीन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आप लोगों का पार्ट्स कहलाता है डीसी मोटर और दूसरा कहलाता है डीसी जनरेटर। डीसी मोटर कहलाएगा एक तो आप लोगों का, और दूसरा पार्ट्स जो कहलाता है वो आप लोगों का कहलाता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है, या डीसी मोटर की या डीसी जनरेटर की अगर बात की जाए तो क्या होते हैं दोनों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होता है उसको उठाएंगे हम डीसी जनरेटर। अगर हम इनके कन्वर्ट करने की बात करें तो डीसी मोटर जो होती है वो हमारी जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो देती दी जाती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करेगी। और अगर बात करते हैं हम लोग डीसी जनरेटर की, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, जो कि आप लोग सब जानते हैं, जो कि आप लोग सारे जानते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जनरेशन की बात करेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल जनरेट जो की जाता है वो किया जाता है डीसी जनरेटर द्वारा। हम डीसी जनरेट की बात करते हैं तो डीसी तो वास्तविकता अगर बात की जाए तो डीसी जनरेट नहीं की जा सकती है, डीसी कन्वर्ट करके हम लोग प्राप्त करते हैं। जहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर लगाकर हम लोग डीसी जनरेटर में उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। किसके अंदर, डीसी के अंदर। कम्यूटेटर मतलब दिक परिवर्तक जिसे कहा जाता है। आजकल जो मॉडर्न जनरेटर आ रहे हैं, आधुनिक जनरेटर आ रहे हैं, वहाँ पर कम्यूटेटर के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। आधुनिकृत मॉडर्न जनरेटरों में हम लोग जो है कम्यूटेटर के स्थान पर ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के। डीसी जनरेटर ध्यान रखो दोस्तों, डीसी जनरेटर की अगर बात करें
तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है वो कैसे डेवलप की जाती है, सबसे पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल इसका होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स वगैरह की। जो लेकिन अगर पार्ट्स वगैरह की अगर बात करते हैं तो पार्ट्सों को तो आम मूलतः आप देखा जाए तो हम लोग सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हम लोगों को वे उसके बेसिक प्रिंसिपल में, कैसे ई एम एफ डेवलप करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस तरह से कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर कितना फील्ड रेजिस्टेंस होगा, कितना आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, कितना ई एम एफ डेवलप करेगा, कब ज़्यादा करेगा, कम कब करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रॉपर समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। डीसी जनरेटर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर की अगर बात की जाए तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें हम किसी प्राइम मूवर द्वारा, प्राइम मूवर क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बेसिक बेसिक एक बार हम इसके पार्ट्सों के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स आप खुद पढ़ लेते हो बुक्स के अंदर, जहाँ पर हमें किसी चीज़ के बारे में रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो आउटर बॉडी होती है, बाहरी बॉडी होती है, जिसे आप कहते हैं योक, बाहरी बॉडी जो होती है जो हमारा प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, उसे आप लोग बोलते हो योक। क्या बोलते हो दोस्तों? योक। जो आउटर बॉडी होगी इसकी, उसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? योक। ये जो हमारा होता है ये योक रहता है। योक क्या होता है? योक को बोलते हैं बॉडी जो हमारा ढलवा लोहे का बना रहता है। किसका बना रहता है? ढलवा लोहे का बना रहता है, या आप कह सकते हो कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन। और दूसरा होता है एक माइल्ड स्टील का भी बना होता है, या कास्ट स्टील भी कह सकते हो, जैसे इसका भी बना होगा। कास्ट आयरन का जो होता है दोस्तों वो छोटी मशीनों में होता है, और बड़ी मशीनों में माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। आपकी अगर हम लोग बात करें किस चीज़ के बारे में, अगर हम बात करते हैं इसकी हार्डनेस के बारे में, तो माइल्ड स्टील जो होती है वो थोड़ा सा कठोर होती है किसके तुलना में, कास्ट आयरन की तुलना में। इसलिए हम लोग ज़्यादातर माइल्ड स्टील का प्रयोग बड़ी मशीनों में करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। उसकी हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से मशीन का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगर हम लोग बड़ी मशीनों में भी कास्ट आयरन का यूज करेंगे तो इसकी वजह से उसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि इसका आकार ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हम लोगों को मटेरियल लेना पड़ेगा मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल आलम प्रदान करने के लिए। इसका मूल जो काम है वो ढांचा प्रदान करने के साथ साथ पोल्स को स्थापित करना, और पोल्स को स्थापित करने के साथ साथ जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे लीकेज होने से बचाना, और उसे मूलतः पाथ प्रदान करना, यानी उसे एक मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या हमारा योक, जो बाहरी बॉडी होती है जिसके ऊपर बेसिकली अगर बात करें हम लोग, तो अंदर की साइड में पोल्स स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं दोस्तों? पोल्स, जो कि स्टेटर का भाग होते हैं। किसका भाग होते हैं दोस्तों? स्टेटर। स्टेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेटर एक स्थिर भाग होता है। स्टेटर, स्टेटर एक स्थिर भाग होता है जो कि कहाँ पर कसा रहता है? योक के अंदर कसा रहता है। जो किसका बना रहता है? सामान्यतः अगर बात करें हम लोग तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये छोटी 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 पत्तियां होती हैं सिलिकॉन स्टील की। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन स्टील की। स्टील की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों का सामान्यतः मोटाई अगर बात करें तो 0.5 mm तक होती है। बेसिकली अगर स्टार्टिंग की बात करें 0.35 mm से 0.5 mm तक हो सकती है, जो कि बेसिकली मटेरियल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, और दूसरी हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं दोस्तों? सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है ताकि आप लोग
क्या कर सको, उसके हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम कर सको। सिलिकॉन का हिस्टेरेसिस गुणांक कम होता है, और उस हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं इसको, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन जो होता है वो हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने का कार्य करता है। सिलिकॉन जो होता है वो क्या काम करता है दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने का कार्य करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर स्टेटर के अंदर ही क्या रहते हैं, पोल्स रहते हैं। स्टेटर के अंदर ही क्या रहते हैं दोस्तों, पोल्स रहते हैं। इन पोलों का कार्य क्या है, इन पोलों का कार्य है फ्लक्स जनरेट करना। कहने का मतलब, कोई भी हमारा अगर मैग्नेट फील्ड डेवलप होगा या मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होगा, तो उसमें मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होने के लिए जो भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल निर्धारित हो जाते हैं, पहला एन पोल और दूसरा एल पोल। पोल हमेशा ध्यान रखो या दो, छः, दो के मल्टीप्लाई में होंगे। क्या होंगे, दो के मल्टीप्लाई में होंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर जो पोल्स का जो अगला भाग होता है, ये भाग जो होता है इसे कहते हैं पोल शू। क्या कहते हैं दोस्तों, पोल शू। इसे क्यों बोला जाता है पोल शू, पोल शू इसलिए बोला जाता है कि ये एक शू के आकार का होता है। शू मतलब कि थोड़ा सा चौड़ा रहता है पिछले पोल की अपेक्षा। क्यों रखा जाता है चौड़ा, इसलिए रखा जाता है इसके अंदर ज़्यादा फ्लक्स इसके टच में आए और फ्लक्स लीकेज ज़्यादा ना हो, फ्लक्स ज़्यादा निकल सके, फ्लक्स एयर गैप कम हो जाए और हमारा फ्लक्स आसानी से जो बीच में आर्मेचर होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स टच में आए। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है फ्लक्स जितना ज़्यादा टच में आएगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स कटेगा और उतना ही ज़्यादा EMF डेवलप होगा। तो ये शू के आकार के होते हैं, खासकर बड़ी मशीनों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर शू के आकार के होते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कुछ छोटी मोट छोटी मशीनें होती हैं उसमें जो फोल्स बनाते हैं उसमें मोल्टेड फोल्स भी बना लेते हैं, ध्यान रखना मोल्टेड पोल्स भी बनाया जा सकते हैं। मोल्टेड पोल्स क्या होते हैं, ये मोल्टेड पोल्स क्या होते हैं, ये पोल्स क्या होते हैं, इसमें शू नहीं होता, बिल्कुल सिंपल इस तरह के रहते हैं जिनमें क्या होता है शू के आकार का नहीं होता। फ्लक्स इतना ज़्यादा कम डेवलप होता है, आसानी से गुजर सकता है, या छोटी मशीनें होती हैं जिसमें फ्लक्स डेंसिटी कम होती है, पोल्स के अंदर फ्लक्स डेंसिटी कम होती है, वहाँ पर हम लोग इस तरह के पोल्स बना सकते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना। लेकिन अगर शू पोल्स बनाया जाते हैं तो बड़ी मशीनों में ज़्यादातर शू ही पोल्स बनाते हैं, छोटी मशीनों में हम लोग क्या करते हैं इस तरह के पोल्स, मोल्डेड पोल्स बना सकते हैं। दोस्तों एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, कई स्थानों पर इन पोल्स के इन पोल्स के स्थान पर अगर बात करें तो स्थायी चुम्बकों का भी प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, स्थायी चुम्बकों का भी प्रयोग कर लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे कि आप लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, डायनमो होता है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है, वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर पोल्स के स्थान पर हम परमानेंट मैग्नेट या स्थायी पोल्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को छोटा बनाना होता है, उसमें वाइंडिंग्स करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी का अगर ज़्यादा बड़ा कोई जनरेटर है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसके अंदर वाइंडिंग्स ही करते हैं, और जिस वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ समझने का प्रयास करना, वाइंडिंग दो प्रकार की होती हैं, वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग, एक होती है कंडक्टर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, वो बार बार आएगी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, एक बार ही देख लीजिए। फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग की अगर बात करें तो फील्ड वाइंडिंग वो होगी जहाँ से हमें मैग्नेट फ्लक्स डेवलप होता है। क्या होता है, मैग्नेट फ्लक्स प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स उत्पन्न करने का कार्य करती है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे डीसी जनरेटरों में अगर बात करें तो डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किस पर स्थापित की जाती है, स्टेटर पर। किस पर स्थापित की जाती है दोस्तों, स्टेटर पर। अगर हम बात करते हैं किसकी, एसी जनरेटर या अल्टीनेटर की बात करते, तो ये फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पर भी लगाई जा सकती थी और रोटर पर भी लगाई जा सकती थी। दो प्रकार के अल्टरनेटर्स बनाए जाते थे, रोटेटिंग फील्ड टाइप और
हमारा कांस्टेंट फील्ड टाइप या रोटेटिंग कंडक्टर टाइप, दो प्रकार स्थायी फील्ड टाइप बनाए जाते थे और एक घूर्णमान फील्ड टाइप बनाए जाते थे। जब डीसी हम लोग अल्टरनेटर की बात करेंगे तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर डीसी जनरेटर के अंदर कहाँ पर स्थापित की जाती है, स्टेटर के ऊपर स्थापित की जाती है। स्टेटर कहाँ पर रहता है? स्टेटर हमारा योक की कसा रहता है, जिसे रिवेट सिस्टम द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर पर दबाकर सेट कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक मतलब तरल, तरल पदार्थ द्वारा जनरेट किया जाने वाला प्रेशर ही हाइड्रोलिक प्रेशर कहलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उच्च प्रेशर होता है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेस, ब्रेस के बारे में सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में सुना होगा। इसी तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करके हम क्या करते हैं, उसको स्टेप्ड कर देते हैं पतली पतली पत्तियों को। किसकी पत्तियाँ होती हैं? सिलिकॉन स्टील की बनी हुई पत्तियाँ रहती हैं, जिन्हें स्टेप्ड करके हम लोग किसका यूज, किसका निर्माण करते हैं? स्टेटर का, जिसमें पोल्स, दो पोल से कम तो होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। या चार पोल होंगे, छह पोल होंगे, मैक्सिमम बेसिकली अगर देखा जाए तो 8 पोल यूज करते हैं ज़्यादातर हम डीसी जनरेटरों के अंदर, ज़्यादातर मैक्सिमम 8 पोल यूज करते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 8 पोल से ज़्यादा यूज नहीं करोगे, कर सकते हैं, लेकिन हाँ सामान्यतः एक सही स्पीड पर रोटेट करने के लिए उनको, क्योंकि स्पीड भी तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, स्पीड भी उसी के अनुसार मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कहोगे फ्रिक्वेंसी कहाँ से जनरेट होगी? हाँ डीसी जनरेटर में भी फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है। मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि डीसी जनरेटर में डेवलप एसी ही होती है, डीसी कभी भी डेवलप नहीं होती। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। तो ये बेसिकली हमारा ध्यान रखना, ज़्यादातर जो सू टाइप पोल, सू सामने वाला भाग होता है, ये समझ रहे हैं मेरी बात, इसको क्या करते हैं यहाँ पर इसके कस दिया जाता है, किसके योक के कस दिया जाता है। और यहाँ पर जो फ्लक्स निकलता है, जैसे मान के चलो ये एस भाग है, ये एन एन भाग है, ऐसे तो एन से निकल कर एस की तरफ जाएगा और इस तरह से अपना साइकिल कंप्लीट करता है, इस तरह से अपना साइकिल कंप्लीट करता है, ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं ज़्यादा पार्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, हमारा डीपली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्मेचर की। आर्मेचर, इसके अंदर कुछ स्लॉट्स होती हैं, ध्यान रखना, ये जो इसके अंदर जो स्लॉट होती हैं वो स्लॉटें कैसे रहती हैं? सेमी क्लोज स्लॉट रहती हैं। उसका रीजन क्या रहता है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग्स लगी रहती है वो वाइंडिंग्स निकले नहीं, कुछ इस तरह से रहती है स्लॉटें, कुछ इस तरह से, लेकिन हम लोग इसमें जो स्लॉट बनाते हैं वो सेमी क्लोज स्लॉट बनाते हैं। सेमी क्लोज मतलब पूरी तरह क्लोज नहीं, लेकिन क्लोज ही रहती है, देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें आगे कम हुआ। आप लोग देखोगे सभी स्टेटर वगैरह के अंदर जहाँ वाइंडिंग करते हैं, आपने मोटर वगैरह खुली हुई देखी होंगी या जनरेटर वगैरह खुली हुई देखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे सेमी क्लोज ही बनाते हैं सब में। जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन आती हैं उनमें मोस्टली सेमी क्लोज स्लॉट ही कट सी रहती हैं। उसका रीजन क्या रहता है सेमी क्लोज का? क्योंकि मैकेनिकल जब घूमता है हमारा या मैं इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो स्लॉटों से वाइंडिंग्स निकले नहीं अच्छी तरह से, उसको स्थापित किया जा सके, इसलिए सेमी क्लोज बनाया जाता है उनको। अगर हम लोग अब बात करते हैं आर्मेचर की, तो आर्मेचर भी बेसिकली अगर बात करें तो आर्मेचर भी किसका बना रहता है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें भी पतली पतली पत्तियों को स्टेप्ड करके बनाया जाता है। और आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग्स की जाती हैं वो बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार की जा सकती हैं। एक होती है लेप बाइंडिंग, एक होती है वेव बाइंडिंग। लेप बाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी कौन सी? वेव वाइंडिंग। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, वाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लेप बाइंडिंग क्या होती है? लेप बाइंडिंग जो होती है वो एक वाइंडिंग का एक टर्न्स दूसरे टर्न्स के ऊपर चढ़े होने के कारण इन्हें लेप बाइंडिंग कहा जाता है। इस तरह से वाइंडिंग्स की जाती हैं ये लेप बाइंडिंग जो होती हैं, इसलिए इन्हें लेप बाइंडिंग कहता है, मतलब ओवरलेप रहती हैं ये, इसलिए इन्हें लेप बाइंडिंग कहा जाता है। और इस तरह से जो कि आर्मेचर के साथ कनेक्टेड रहती हैं, आर्मेचर के साथ क्या रहती हैं? कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो आर्मेचर के थ्रू कहाँ होती है? हम लोगों को लोड को प्राप्त होती है, तो आर्मेचर से कनेक्ट रहती हैं।
ध्यान रखना। तो ये वाइंडिंग्स जो होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइंडिंग्स के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ फ्रंट पिच क्या होती है, बैक पिच क्या होता है, पिच फैक्टर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो बेसिकली होता है, समांतर मार्ग जो होते हैं, पैरेलल पाथ जो होते हैं, उनकी संख्या अगर बात करें तो पोलों की संख्या के बराबर होती है। समांतर मार्ग मतलब जो टोटल बाइंडिंग्स जी की जाती है वो कितने मार्गों में की जाती है, कितने पाथ्स होते हैं उनके, कितने जितने पोल्स होते हैं। अगर चार पोल है तो चार होंगे, छह हो तो छह होंगे, और द आठ है तो आठ होंगे, दो है तो दो होंगे। मतलब जो बाइंडिंग्स की जाएगी वो चार मार्गों में या छह मार्गों में या फिर वैसे की जाएगी, उसका वायर जो लिया जाता है। और यहाँ पर वेव वाइंडिंग जो है, वेव वाइंडिंग्स की अगर बात करें तो वो वेव अर्थात तरंग के आकार की होती है दोस्तों, तो इसलिए इसको बोला जाता है वेव वाइंडिंग। ये भी अगर देखा जाए तो इनके भी जो लीड होती हैं, जो सिरे होते हैं, जो लीड होती है वो हमारे किससे कनेक्टेड रहती है, कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर भी समांतर मार्गों की संख्या कितनी रहती है दोस्तों, दो। यहाँ पर पैरेलल पाथ जो होते हैं, समांतर मार्ग जो होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। यहाँ पर समांतर मार्ग कितने रहते हैं, दो होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई ऐसी खास प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अगर आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया है, कॉलेज आप रेगुलर गए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग पहले से ही अच्छी तरह से जानते होंगे। समांतर मार्गों की संख्या वेव बाइंडिंग्स के अंदर कितनी रहती है दोस्तों, दो रहती है। जबकि हमारी लेप बाइंडिंग के अंदर कितनी रहती है, समांतर मार्गों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इन बाइंडिंग्स को देखा जाए तो हम लोग किस पर करते हैं, आर्मेचर के ऊपर स्थापित करते हैं। दोस्तों एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने ईएमएफ का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ईजी बराबर फाइ जेड एन पी अपॉन 60 ए पढ़ा है। कहाँ से आया ये डिस्कस अभी नहीं करते हैं, सिर्फ आपने ये पढ़ा है, आप इसको जानते हैं। यहाँ पर फाइ फ्लक्स की वैल्यू है, जेड चालकों की संख्या है, एन हमारी क्या है, रोटेशनल स्पीड है, और हमारा पी क्या है, पोलों की संख्या, ए क्या है, समांतर मार्गों की संख्या। मैंने आपसे कहा क्या कहा कि वेव वाइंडिंग्स के अंदर दो फिक्स रहता है क्या, समांतर मार्गों की संख्या। लेप वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या के बराबर रहता है। अब पोल दो से कम तो होने से रहे, दो तो होंगे ही होंगे, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, बारह भी हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर संख्या दो से ज़्यादा ले जाएंगे तो ईजी की वैल्यू कम ही होगी। कहने का मतलब वेव वाइंडिंग में पोल्स, यहाँ पर समांतर मार्गों की संख्या दो होने के कारण ईएमएफ ज़्यादा प्राप्त होगा। तो वेव वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च वोल्टेज के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, उच्च वोल्टेज लो करंट, लो करंट, करेक्ट। अगर हम बात करें लेप वाइंडिंग की, तो लेप वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। लेप वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ईजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कम वोल्टेज और उच्च करंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे लीप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसके ऊपर बेसिकली आर्मेचर के ऊपर अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जो शाफ्ट होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। उच्च कार्बन स्टील की बने के होने के कारण उसका रीजन क्या है, उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 2% से ज़्यादा रखते हैं, इसलिए उसे हाई कार्बन स्टील कहा जाता है, हाई कार्बन स्टील कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें, इसके ऊपर हमारा कम्यूटेटर होता है दोस्तों, क्या होता है, कम्यूटेटर। इसका अलग से वर्किंग प्रिंसिपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ये कार्य करती है। कम्यूटेटर की अगर बात की जाए तो कम्यूटेटर बेसिकली हमारा किसका बना रहता है, कॉपर के सेगमेंट्स का बना होता है। कॉपर सेगमेंट्स जो होते हैं, कॉपर सेगमेंट्स जो होते हैं, जो होते हैं
उन्हें माइका इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? माइका इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। और ये हमारे किस पर लगे रहते हैं? जो हमारा आर्मेचर होता है उसके ऊपर जो शाफ्ट होती है उस पर कनेक्टेड रहते हैं। जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है जो एसी आर्मेचर के अंदर डेवलप की गई है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, मॉडर्न जनरेटर जो आधुनिक जनरेटर में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कम्यूटेटर हीट होकर कॉपर होने के कारण, कॉपर इज ए कंडक्टर, कम्यूटेटर क्या है? कॉपर, कम्यूटेटर कॉपर का बना हुआ है, कॉपर की सेगमेंट्स हैं जो कि हीट होकर क्या हो जाती हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देती है। क्यों? कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है, जिसे आप ताप गुणांक कहते हैं, कम्यूटेटर कॉपर का बना होता है, कॉपर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है जो कि हीट पाकर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। हीट जैसे ही गर्म होगा करंट जाएगी, तो सिंपल सी बात है, तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका हीट जनरेट होगी उसके अंदर, और वो हीट क्या करेगी, उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगी, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है लॉसेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, फ्रैक्शन लॉसेज होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कौन से रेक्टिफायर का? ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग भी किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जिसमें चार डायोड यूज किए जाते हैं। दो डायोड एक समय पर कार्य करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो ध्यान रखना, कम्यूटेटर कहाँ लगा रहता है? हमारी जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर कैसा रहता है? जो आर्मेचर से कनेक्टेड रहता है, या आर्मेचर का ही पार्ट्स मान के चलो, कम्यूटेटर आर्मेचर से ही कनेक्टेड रहता है। और जिसका कार्य होता है, जो आर्मेचर से एसी डेवलप हुई है उस एसी को डीसी में परिवर्तन करके किसको देना? हमारे लोड को प्रदान करना, या आप ये कह सकते हैं ब्रशेज को प्रदान करना। कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश कनेक्टेड रहती हैं, कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रश कनेक्टेड रहती हैं उनको हम लोग प्रदान करते हैं किसको? यहाँ पर ब्रश जो कनेक्टेड रहती हैं उनको प्रदान की जाती है, और यहाँ से एक से प्लस और दूसरे से हम लोगों को क्या मिलता है, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में सारा सारा चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। अभी स्टार्ट किया है, बेसिक प्रिंसिपल पर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की है जो ब्रोसेज होती हैं, वो ब्रोसेज क्या कार्य करती हैं? ये कार्बन की बनी रहती है, सामान्यतः देखा जाए तो किसकी बनी रहती है? कार्बन की। ब्रश का कार्य क्या है? इस कम्यूटेटर से करंट को लेकर, और किसको प्रदान करना? लोड को प्रदान करना। कम्यूटेटर से करंट को लेकर किसको प्रदान करता है? ब्रश लोड को प्रदान करता है। ध्यान रखना, कम्यूटेटर ब्रशेज का कार्य होता है कम्यूटेटर से करंट्स को लेकर या सप्लाई को लेकर किसको प्रदान करना? लोड को प्रदान करना। लोड क्या होता है? लोड आप जो घरों पर लगाते हैं, जहां पर आप सप्लाई देते हो, जहां जो उपकरण चलाते हो आप इस इलेक्ट्रिसिटी से, वो लोड ही कहलाता है। ट्यूबलाइट जला रखी है, फैन चला रखा है, या मोटर चला रखी है, वही हमारा क्या है? लोड है। ध्यान रखना, ये ब्रशेज सामान्यतः कार्बन की होती है। अब बात ये होती है कार्बन की होती क्यों है, रीजन है क्या है कार्बन की होती क्यों है? पहली बात तो यह, कार्बन जो होता है सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, कार्बन जो होता है स्नेहक। क्या होता है दोस्तों? स्नेहक। स्नेहक और स्नेहन दो अलग अलग चीजें, स्नेहक और एक होता है स्नेहन, दोनों अलग अलग चीजें। स्नेहक वह मेटेरियल या वह पदार्थ या वह द्रव है जो फ्रैक्शन को कम करने का कार्य करता है। फ्रैक्शन मतलब घर्षण के साथ। कार्बन सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक होता है। कार्बन एक ठोस लुब्रिकेंट है, ग्रीस है वो भी एक ठोस लुब्रिकेंट में आता है, लेकिन ऑयल वगैरह होते बात करते हैं वो द्रव लुब्रिकेंट में आ जाते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक। दो चलायमान पार्ट्सों के बीच में फ्रैक्शन कम करना, आपको पता है रोटेट पार्ट्स है,
तो शाफ्ट से फ्रैक्स होगा, तो फ्रैक्शन होगा तो घिसेगा जल्दी, इसलिए हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो घिसे कम। अगर हम लोगों ने कोई एल्यूमिनियम का ले लिया तो एल्यूमिनियम बहुत जल्दी घिस जाता है, तो वो ले नहीं सकते। यहाँ पर कार्बन का लिया है, क्यों? कार्बन का दो रीजन है इसके लेने के। एक तो क्या हुआ, घिसता कम है, क्यों? सेल्फ लुब्रिकेंट है। आप लोगों ने कार्बन की कोई भी चीज़ देखी होगी, उसको घिसना चाहोगे, घिसेगी नहीं, और आसानी से स्मूथली क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। तो पहली बात तो सेल्फ लुब्रिकेंट हो गई। दूसरी जो बात है वो है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। आपसे कहा था मैंने इसको कॉपर का यूज करते हैं, किसको? हमारा कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर कॉपर का होने की वजह से जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लॉसेज बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि करंट आएगी उसके अंदर से, करंट आएगी तो लॉसेज बढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग ये चाहते हैं कि लॉसेज ज़्यादा ना हो। तो लॉसेज दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल लॉसेज और एक इलेक्ट्रिकल लॉसेज। मैकेनिकल लॉसेज में फ्रैक्शन लॉसेज भी आ सकते हैं। तो पहली बात तो फ्रैक्शन वैसे ही कम हो गया कार्बन के होने की वजह से। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से, ताप गुणांक नेगेटिव होने की वजह से, ताप गुणांक समझ रहे हैं ना? ताप गुणांक क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। चालक जो होते हैं, चालकों में तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, चालकों में तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि लॉसेज भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल लॉसेज या कॉपर लॉसेज का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट उससे फ्लो होगा, वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड जैसा कनेक्ट करोगे उतना ही करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है लॉसेज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का अगर लेंगे तो कार्बन में तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, घटेगा, बिकॉज कार्बन इज ए सेमी कंडक्टर। कार्बन इज ए सेमी कंडक्टर, कार्बन एक सेमी कंडक्टर है, और सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट नेगेटिव होता है। कैसा होता है दोस्तों? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। किसका? कार्बन का। कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? कम होगा। तो लॉसेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या यूज प्रेफर करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं। लेकिन कार्बन भंगुर भी होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भंगुर हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कब होगा? जब फ्रैक्शन ज्यादा होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कब होगा? जब धारा ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा कब होगा? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चलो रेजिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन बड़ी मशीनें हैं जो ज्यादा लोड सहती हैं, बड़ी मशीनें हैं जो ज्यादा लोड के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें लोड करंट का वैल्यू ज्यादा होता है, वहां पर तो करंट के अकॉर्डिंग धारा ज्यादा हो जाएगी। जहां पर लोड ज्यादा होता है वहां पर किसमें होता है? बड़ी मशीनें जो बनाई जाती है, ज्यादा लोड के लिए बनाई जाती हैं, हैवी लोड के लिए जो मशीनें डेवलप बनाई जाती हैं, वहां पर अगर बात करेंगे तो वहां पर करंट ज्यादा होगा, या जो लोड ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि लोड के ऊपर डिपेंड करता है करंट की वैल्यू। और अगर करंट ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हीट ज्यादा डेवलप होगी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, हीट का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है? हीट का। अगर यहां पर बात करें हम लोग, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, भंगुर हो सकती है कार्बन की ब्रश, और कार्बन करंट कैपेसिटी भी कम होती है कार्बन की। कैसे? कार्बन की जो करंट कैपेसिटी होती है वो 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका करंट डेंसिटी, इसे बोला जाता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। कार्बन की करंट डेंसिटी जो होती है 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। जबकि हम लोगों को जब को ज्यादा करंट ले जानी होती है तो ऐसी कंडीशन में
कम करंट करंट डेंसिटी से काम नहीं चलेगा। और ऐसा मटेरियल ले लिया आपने जिसकी करंट डेंसिटी कम हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? आपको उसका आकार ज़्यादा लेना पड़ेगा, बड़ी ब्रशेज लेनी पड़ेंगी, तो मशीन में फिर लॉसेज बढ़ेंगे, मैकेनिकल लॉसेज। क्या लागत ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोटेक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी? तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो आप लोग? तो हम बड़ी मशीनों में कार्बन ब्रश यूज नहीं कर सकते हैं, हम बड़ी मशीनों में कार्बन ब्रश यूज नहीं कर सकते हैं। बड़ी मशीनों में जो ब्रशेज यूज की जाती है, जिस ब्रश का प्रयोग किया जाता है, वो ब्रश होती है कॉपर ब्रश। ज़्यादा बड़ी मशीन जो होती है जिनमें यूज लेते हैं हम लोग क्या, कॉपर ब्रश। कॉपर ब्रश का हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, जितनी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, कॉपर ब्रश का यूज करते हैं। कॉपर ब्रश जो होती है कॉपर की बनी होती है, कॉपर ब्रश जो होती है कॉपर की बनी होती है। लेकिन फिर कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कार्बन से कम होता है, तो उतना तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो टेम्परेचर कम ही रहना है कार्बन की तुलना में, तो अगर बात करें हम लोग तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कॉपर ब्रश जो होती है वो क्यों यूज की जाती है, इसकी करंट डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, 25 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 23 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी करंट डेंसिटी होती है। इन चीजों को याद रखना, कई जगह पूछे जा सकते हैं, जेई वगैरह के क्वेश्चन भी है, पेपर्स में भी पूछे जा सकते हैं, और हमारे हेल्पर वगैरह या फिर यूपीपीसीएल जेई वगैरह के, तो कई सारे क्वेश्चन बन गए। क्या बने इसमें से, कार्बन ब्रश क्यों यूज की जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशियंट नेगेटिव होता है, और क्या सेल्फ लुब्रिकेंट होती है। बड़ी मशीनों में कार्बन ब्रश क्यों नहीं यूज की जाती, क्योंकि बड़ी मशीनों में करंट की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण कॉपर की कार्बन की करंट डेंसिटी कम होती है, वहाँ पर करंट ज़्यादा होती है तो वो कॉपर सह नहीं पाता, भंगुर हो जाता है ज़्यादा टाइम हीट्स पाकर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कार्बन ब्रश यूज करते हैं वहाँ पर, सॉरी कॉपर ब्रश यूज करते हैं। कार्बन ब्रश हमारी छोटी मशीनों में यूज की जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कार्बन ब्रश की करंट डेंसिटी क्या होगी, 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। आपसे पूछ सकते हैं कॉपर ब्रश की करंट डेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 23 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर। छोटी मशीनों में किसका यूज करते हैं, छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। हैवी लोड या बड़ी मशीनों में किसका यूज करते हैं, कॉपर ब्रश का यूज करते हैं। कम्यूटेटर किसका बना रहता है, कॉपर का बना रहता है। किससे इंसुलेटेड किया जाता है, माइका इंसुलेटर द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। कम्यूटेटर का कार्य क्या है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कहाँ पर रहता है, आर्मेचर पर लगा रहता है या आर्मेचर के शाफ्ट पर कनेक्टेड रहता है। जो कम्यूटेटर हमारा आर्मेचर से धारा लेकर किसको देता है, ब्रशेज को देता है, और ब्रशेज हम लोग को किसको मिलता है, लोड को प्रदान होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और इस आर्मेचर को घुमाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे बोला जाता है प्राइम मूवर। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम चालक, हिंदी में कह सकते हो आप लोग प्रथम चालक, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब प्रथम चालक, जो हम इसको मूव करने का कार्य करेगा, इसे घुमाने का प्रयास करेगा, किसको, आर्मेचर को। आर्मेचर को रोटेट करने का कार्य करता है, जो कि टर्बाइन हो सकता है, कोई इंजन हो सकता है, हैं, या कुछ भी चीज हो सकती है जो उसको घुमाने का कार्य करती है। आप हाथ से घुमा रहे हो तो आपका हाथ ही प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर जो हिंदी में बोलते हैं प्रथम चालक, हैं, जैसे टर्बाइन हमारा घुमाता है, किसको, जनरेटर को घुमाता है या अल्टरनेटर को घुमाता है, तो वो टर्बाइन ही क्या है, जनरेटर है या हमारा अल्टरनेटर है। अगर किसी इंजन द्वारा हम लोग घुमा रहे किसी अल्टरनेटर को या जनरेटर को, तो वो इंजन ही क्या है, प्राइम मूवर है, ध्यान रखना। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो जिसके द्वारा दी जाती है वो ही प्राइम मूवर कहलाता है। मोटर में प्राइम मूवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। लेकिन जनरेटर में हम लोगों को प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, ताकि हम जनरेटर को रोटेट कर सकें, वो प्राइम मूवर कहलाता है, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया मैंने, कुछ पार्ट्स और रह गए होंगे उनके बारे में हम छोटी छोटी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप में चिंता मत करो, सारी चीज़ों को मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा इस लेसन को, कि इतना डीपली जाएंगे कि आप लोग आसानी से जेई का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि सर हमें इतना पढ़ के क्या करना है,
मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का लेवल है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और आप लोग क्या करते हो, किसी चीज़ को रटने का प्रयास करते हो जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। आप लोग समझने का प्रयास करो, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझने का प्रयास करो, उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है। सिर्फ रट लेना ही कोई, अरे किसका बना होता है किसका बना होता है ये तो सब याद कर लेंगे और हर टीचर्स बता देगा आप लोगों को। अब भी अगर टीचर्स का भी सहारा नहीं तो खुद पढ़ सकते हो ये चीज़। लेकिन जो लिंक है मैंने आपसे बोला कॉपर ब्रश की क्यों यूज की जाती है, कार्बन ब्रश की यूज की जाती है। अगर कार्बन ब्रश वहाँ यूज कर दी गई तो क्या होगा, कॉपर ब्रश वहाँ यूज कर दी गई तो क्या होगा, करंट क्यों नहीं करते हैं, करंट डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, करंट डेंसिटी कम होने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के संबंध स्थापित करना जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप लोग उसको सही तरह से नहीं पढ़ पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, किसी को प्रॉपर वे में पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो कैसे होती है। दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल की जस्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हालांकि एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट का डाल के मैंने ईएमएफ इक्वेशन का डाल भी दिया है, वहां से देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी में डाला गया था। उसका रीजन ये था कि लाइव स्ट्रीम देना चाह रहे थे लेकिन वो स्ट्रीम नहीं हो पाई, तो रिसेंटली उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको डाला गया, तो उसमें मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया उसको। मैं डीपली उस चीज़ के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आप लोगों के सामने। अभी सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि फैराडे के अनुसार, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत आप सभी जानते हो, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल जानते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, फैराडे का ईएमएफ इक्वेशन जो होती है वो होती है डी फाई अपॉन डी टी है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं अगर किसी कंडक्टर को किसी भी फील्ड के अंदर घुमाया जाएगा तो उसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है वो ये होता है, इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ डेवलप होता है। सपोज कर लो मैंने दो पोल्स लिए, ये एन पोल है और ये एस पोल है। एन और एस पोल के बीच में एन से एस की तरफ क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा है कि नहीं, फ्लक्स निकलेगा। अगर इस पोल्स के बीच में अगर मैं इस कंडक्टर को घुमा रहा हूं क्या नहीं, क्या कर रहा हूं उसको रोटेट कर रहा हूं इस तरह से, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये फ्लक्स को काट रहा है। आप ध्यान रखना फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा उत्पन्न, दिमाग में एक ही थ्योरी रख रहा कि फ्लक्स को जितना ज्यादा किसी कंडक्टर द्वारा या किन्हीं कंडक्टर द्वारा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वन कंडक्टर के द्वारा ही काटा जाए, बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं हो सकते हैं जिनके द्वारा हम फ्लक्स को काट रहे हैं, और बहुत सारे पोल्स भी हो सकते हैं जिनके जिनके फ्लक्स को काटा जाना है। तो ध्यान रखना मैं अभी सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। अगर ये कंडक्टर है और ये पोल्स हैं दो, उन जिनके बीच में फ्लक्स निकल रहा है, इस फ्लक्स को अगर मैं किसी कंडक्टर के द्वारा रोटेट करके काटता हूं तो मैं क्या देखता हूं, इस कंडक्टर के द्वारा ये फ्लक्स कटेगा और कटेगा तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ। वो ईएमएफ डिपेंड करता है जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। मैंने कहा दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो ये है। अब जितनी ज्यादा यहां फोर्स लाइन है इसे कहते हैं मैग्नेट फोर्स लाइन, क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्नेट फोर्स लाइन, और इन मैग्नेट फोर्स लाइन को ही बोलते हैं मैग्नेट फ्लक्स, क्या नहीं, क्या बोलते हैं, मैग्नेट फ्लक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, क्या नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स यहां पर जितना ज्यादा कटेगा, ज्यादा फ्लक्स होगा ज्यादा फोर्स लाइन होगी तो ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी, कम फोर्स लाइन होगी तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इकाई एरिया में फ्लक्स की मात्रा, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, और डेंसिटी निकालनी है तो एरिया का भाग दे दो, क्या निकल आएगी, फ्लक्स डेंसिटी। अगर फ्लक्स की मात्रा ज्यादा होगी तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी तो ज्यादा फ्लक्स कटेगा, सिंपल सी बात है।
तो इन पोल के बीच में फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही फ्लक्स कटेगा। तो पहली बात तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ का मान, फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी तो टोटल फोर्स लाइन ज्यादा होंगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं फ्लक्स से घनत्व। क्या बोलते हैं? फ्लक्स घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, मैंने एक छोटा सा कंडक्टर लिया, इसको इसके बीच में घुमाया। मैंने एक बड़ा कंडक्टर लिया, लंबा कंडक्टर लिया, उसको उसके बीच में घुमाया। एक बात बताओ, छोटा कंडक्टर होगा तो कम फ्लक्स इसके संपर्क में आएगा, कम फ्लक्स काटेगा, और बड़ा कंडक्टर होगा तो ज्यादा फ्लक्स इसके संपर्क में आएगा, ज्यादा फ्लक्स को ये काटेगा। सिंपल सी बात है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, करेगा या नहीं करेगा। सिंपली एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारे कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा, वो अभी ईएमएफ क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगर एक कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा वो उतना ही ज्यादा फ्लक्स काटने वाला है, अगर छोटा होगा तो कम काटेगा ज्यादा। यार एक बात बताओ, मैंने चार ककड़ी ली और छोटा सा चाकू लिया, चार ककड़ियों तक पहुंच ही नहीं रहा तो काटेगा कैसे? अगर मैंने लंबा चाकू लिया तो हो सकता है सबको काट दे। तो यहां पर छोटा कंडक्टर है तो कम फ्लक्स काट रहा है, लंबा कंडक्टर है तो ज्यादा। तो दूसरी बात है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर। जिसे कहते हैं चालक की लंबाई। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब होता है चालक की लंबाई। जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा? फ्लक्स को काटने का। तीसरी बात क्या है? वेलोसिटी। एक बात बताओ, 1 मिनट में 2 बार ही घुमा कंडक्टर, 1 मिनट में 10 बार घुमा और 1 मिनट में 50 बार घुमा, तो कब ज्यादा काटेगा? जब ज्यादा तेजी से घूमेगा तभी तो काटेगा। तो तीसरी बात है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर मतलब चालक का वेग। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या ये? इसके अलावा एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर बताइए? हैं? तीन चीज के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, कितना फ्लक्स कट रहा है ये चीज तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहली बात तो फ्लक्स घनत्व, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, तीसरा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, इसके ऊपर तो डिपेंड कर ही करी रही है। इसके अलावा आपके हिसाब से और किस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड करती है एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर, एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर, फ्लक्स और चालक के बीच कोण। अभी देखो, मैंने सीधा इस कंडक्टर को रख रखा है यहां पर, क्या किसी फ्लक्स को काट रहा है? नहीं। लेकिन मैं घुमाते घुमाते यहां पर पहुंचा हूं तो फ्लक्स को ज्यादा काटेगा, और ज्यादा काटेगा, और ज्यादा काटेगा। लेकिन ये जैसे लंबवत आ गया और लंबवत आते ही क्या किया इसने? फ्लक्स को बहुत ज्यादा काट रहा है अभी, क्योंकि मैक्सिमम काट रहा है, इससे ज्यादा कभी नहीं काट सकता, लंबवत है बिल्कुल। क्या नहीं? वापस से एक यहां से घूमते घूमते फिर ये परपेंडिकुलर मतलब इसके समांतर आ गया, क्या नहीं आ गया? तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा। तो जब ज्यादा फ्लक्स कटेगा तब ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा, जब ज्यादा कम कटेगा तो आप लें 0 डिग्री से 90 पे मैक्सिमम, 180 पर वापस 0, 270 पर वापस मैक्सिमम, 360 पर वापस 0। तो कहने का मतलब इस तरह से एक साइकिल का निर्माण होगा, 0 से चलेगा, जैसे जैसे 90 पहुंचेगा मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होगा, और 90 से 180, 180 से 270 और 360, 0, 90 हैं, 180, 270 और 360, ये हमारा क्या होगा? इस तरह से ईएमएफ डेवलप होगा। और कैसी डेवलप होगी? एसी, अल्टीनेटिंग करंट डेवलप हुई। सर आप तो यहाँ पर डीसी जनरेटर में कैसे होगा? तो मैंने कहा ना, कभी भी फ्लक्स को काटकर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल, और इसी से ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ईएमएफ। आपने कहा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स डेंसिटी। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एंगल। तो एंगल sin θ। इसीलिए sin θ के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर ईएमएफ डेवलप हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला?
साइन वेव, क्या बोला इसको? साइन वेव है। तो इस तरह से ईएमएफ डेवलप होता है जो समय के साथ, मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे हमारा इसकी वैल्यूज भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से आप लोगों का ईएमएफ कितना डेवलप हुआ और वीएलवी साइन थीटा के अकॉर्डिंग ईएमएफ डेवलप हो रहा। और आप ये भी कह सकते हो कि फ्लक्स जितना ज़्यादा कटता है उतना ही ईएमएफ डेवलप होता है। ये सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल था। अब बेसिक प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन, विद्युत वाहक बल समीकरण। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होती है ये मैंने भी एक वीडियो में डाला, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे दोबारा से। सुबह मॉर्निंग 8 बजे आप वापस से लाइव आइएगा, सुबह आकर आप क्लास अटेंड कीजिएगा। सुबह ध्यान रखना, एक भी वीडियो बिल्कुल भी 1% ही मिस नहीं करना है। मैं आप लोगों को ये वादा कर रहा हूँ कि डीसी मशीन आपकी उंगलियों पे होगी, डीसी मशीन आपके टोटल उंगलियों पे होगी। कई ऐसी एग्जामिनेशन हैं जिनमें डीसी मशीन के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डीसी मशीन इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डीसी मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से मैनी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वैसे पूछे जाते हैं। मशीन ही बहुत, मशीन की टेंशन आप छोड़ो, मशीन जब आप लोगों को पढ़ाई जाएगी तो मशीन आपके उंगलियों पर होगी। बस ध्यान ये रखना है, कभी भी फॉर्मूला रटने का प्रयास मत करना, बोलो सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे टॉपिक से मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, अलग से डाल दूंगा अगर वो यूट्यूब पर नहीं तो। लेकिन उसको रटने का प्रयास मत, कभी मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ का, रटने का कभी प्रयास मत करना। पूरी डीसी मशीन कम्प्लीटली मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा, जहां पर आप लोग डीसी जनरेटर को पहले पढ़िएगा, फिर डीसी मोटर के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या कितना डीपली उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी पढ़ लेना, बाद में डिलीट मार दूंगा मैं यूट्यूब से, समझ रहे मेरी बात? हाँ, धन्यवाद दोस्तों। बाकी का ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग के सर कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे, नहीं अभी पढ़ लेना आप लोग इसको। अगर एक बार में समझ नहीं आता, दो बार देखो, पूरे वीडियो को दो बार देखो, सिस्टमेटिक ढंग से देखो। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, पढ़ाई अच्छी लगी, वीडियो तो सभी अच्छे ही होते हैं, पढ़ाई अच्छी लगी है तो ध्यान रखना इसको लाइव और शेयर करना, खासकर वो स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ के गए, उनसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, बिना उनके सपोर्ट के इस चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड करवानी है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स अभी सेटअप किया है धीरे धीरे, क्योंकि नॉलेज नहीं था ऑनलाइन में कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन आज स्टार्ट करूँ और 2 दिन या 4 दिन में परफेक्ट देने लग जाऊँ। कैमरा के सामने पढ़ाता था पहले भी, ऑनलाइन क्लासेज होती थी अलग अलग सेंटरों पर, लेकिन फ़र्क क्या रहता था, सामने स्टूडेंट्स बैठे रहते थे, क्वेश्चंस आते थे उनके जवाब मिल जाते थे, कोई टॉपिक अगर मिस हो जाता है तो उसको बारे में बच्चे बता देते थे, उसको रिपीट, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस हो रहा है इसमें से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी इंक्लूड करके आप लोगों के सामने ला दूंगा। तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बी पॉजिटिव, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें आप लोगों को पहले कई बार नेगेटिविटी है बच्चों के कि क्या पता लाइव कंटिन्यू देंगे या नहीं देंगे, हालांकि तो आप लाइव रहेगी, ओपन हो जाएगी उसके बाद भी लाइव रहेगी, लेकिन बस SRTC आज शाम से ही मैं SRTC ऐप पर भी क्लासेज डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर पैड कोर्सेज स्टार्ट करूँगा। मैंने पैड कोर्सेज आज से ही हैं, 2 स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। स्टेज फर्स्ट उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल ही वीक हैं, वो स्टेज फर्स्ट करने के बाद स्टेज सेकंड को अटेंड करें, और स्टेज सेकंड उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़े हुए, समझ रहे हैं, लेवल स्टेज सेकंड में टॉप होगा, स्टेज फर्स्ट में ब्लो लेवल होगा, स्टेज फर्स्ट में पढ़ना सिखाया जाएगा, स्टेज सेकंड में पढ़ाया जाएगा, स्टेज फर्स्ट में पढ़ना सिखाया जाएगा, स्टेज सेकंड में पढ़ाया जाएगा।
पढ़ाया तभी जा सकता है जब पहले पढ़ना सीख जाओगे, पहले ये समझ जाओगे कि टेक्निकल होता क्या है। इस लगभग आप लोगों के अगर दोनों कोर्सों को मिला के बात करूँ तो 300 घंटे का लगभग कोर्स होगा, और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ तो 200 घंटे का अप्रोक्सीमेटली कोर्स होगा, क्योंकि स्टेज फर्स्ट स्टेज से सेकंड में कुछ ना कुछ टॉपिक तो कॉमन होंगे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि मैं किसी चीज़ को स्टेज फर्स्ट में छोड़ दूंगा, लेना तो सब पड़ेगा, बस उसका लेवल अप डाउन होता रहेगा। समझ रहे हैं मेरे बात? और आज शाम से ही स्टार्ट हो रहा है, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ के गए हैं यहाँ से वो अपना प्रोमो कोड डेवलप करवा सकते हैं। मैसेज मेरे नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, प्रोमो कोड डेवलप कर दूंगा आपके नाम का। आप अपने फ्रेंड्स को वो प्रोमो कोड शेयर करके आपके नाम से उनको भी डिस्काउंट दिलवा सकते हो पैड कोर्सेज के अंदर। पैड कोर्सेज चलाना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ को यूट्यूब पर आप लोग नहीं डाल सकते। समझदार हैं आप लोग कि हर चीज़ को जब क्वालिटी फ्री फिर यूट्यूब पे बढ़िया आएगी तो आएगा ही कौन पढ़ने। समझ रहे हैं? फिर भी मैं मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा। हाँ, आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्सेज अटेंड कीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगे तो पेड कोर्सेज अटेंड नहीं कीजिएगा, इसे पढ़ते रहिएगा। हाँ, ये पक्की बात है, मैं आप लोगों को जो क्लास में देता था उससे 20-30% एक्स्ट्रा देने का भरपूर प्रयास करूँगा आप लोगों के सामने। नमस्कार दोस्तों, वापस सुबह 8 बजे वापस मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।